राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि टी नाम वाले जातक एवं आर नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एवं वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, टी नाम वाले जातक एवं आर नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में अनुकूलता बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में एक दूसरे के विचारों का सम्मान, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के रहन सहन का सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करना या उनकी बातों को अनसुना करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम आर नाम वालों की बात करें तो आर नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो अपने जीवन के यात्रा में बहुत ज्यादा अस्पष्ट वक्ता होते हैं। ये कभी भी अपने जीवन में किसी भी मामले पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। इनका जो फैसला होता है वो बहुत ज्यादा अस्पष्ट होता है, क्योंकि इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान, बहुत ज्यादा चालाक होते हैं एवं ये हमेशा अपने जीवन में अपने वर्तमान समय के बारे में एवं अपने आने वाले समय के बारे में बहुत ज्यादा विचार करते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने समय को बर्बाद करना, अपने समय का मिसयूज करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम टी नाम वालों की बात करें तो टी नाम वाले जो भी जातक होते हैं इनको हमेशा अपने जीवन में आजाद होना, स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा पसंद होता है। ये कभी भी अपने जीवन में अपने आजादी के साथ में, अपने स्वतंत्रता के साथ में कोई भी समझौता नहीं करते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपनी आजादी को, अपने स्वतंत्रता को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी का सपोर्ट, उनका समर्थन बहुत ज्यादा करते हैं। मित्रों, टी नाम वाले जातक एवं आर नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो मंदिर को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय हनुमान आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।